Hello everyone, welcome to Kalki Krishna Diary. I'm Kalki and today I'm here to talk about something which we all are struggling through, because this is the worst time of everybody. Whoever loves cinema or doesn't care, doesn't matter. But amar corona paristhiti pore jaha ja last 2 din helani jaha sabu ghatuchi, we all are heartbroken. I personally, I am a cinema enthusiast. If anybody who are watching me here in this channel, who are acquainted with this channel, they must be knowing, they know actually that I am a cinema enthusiast. And what a cinema premi hisab re amman ko pai jone jone bhala bhala actor kete maine rakhanti ethre kahiba darkar nahi. Tebe amaro Irfan Khan ko pare ebe Rishi Kapoor kar mate death heigala. I mean, it's an end of an era. तो ये जिनस एते अधिक बाधुची, लाइक दुख कम राग बेस लगुच्छी, क्या रागब वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट राग बहुत लगुच्छे किए जो निजर राग चुकाउे आम उपरे, बट वी कांट हेल्प इट एंड यू नो कि जी भी कही खूब सुंदर कही गोटे आर्टिस्टर केवे मृत्यु हुए नहीं, तर आर्ट तक सबुदिन बचेक रखि थाए. सो बीइंग एन इरफान खान फैन, मु मोर फेवरेट फिल्म इरफान खान आपको सजेस्ट करी, जो आप देखी आउ थे देखते जो देखी ना देन इट इज द टाइम रिकॉल करने आत्मा को शांति देवाई मे बी आम फिल्म टाक आउ थे देखा उचित, बिकज हि वाज अ फैंटास्टिक फैबुलस. आई थिंक इट्स नॉट इंडियन सिनेमा, से इंडियन सिनेमा हूँ तो इंटरनेशनल सिनेमा हो, ही इज माय फेवरेट एक्टर, नॉट वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, ही वाज माय फेवरेट एक्टर. सॉरी मो बारंबार इज कहे, बिकज मो एबे भी हजम कर पाऊनी कि मतलब वाच लगे खराब लगे मुसुनी मो भर. आई थिंक इट विल टेक ए लिटिल टाइम कि ईजटा को वाच करने, जदि मोर इंटायर भिडियो कौटी ईजटा रही जाऊँच देन प्लीज पार्डन, बिकज इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू मी एटलिस्ट. इरफान खान को मोर फेवरेट लिस्ट नंबर वन रहा लंच बक्स. आम बोधे समस्त लंच बक्स देखीचु एंड क्रिटिकली बहुत एक्लेम्ड होता फिल्मटा, कि दुज लोक परस्पर को देखी ना जाणी ना चिनी ना, कि लंच बक्स मध्यम दुज इमोशन एक्सचेंज हो, एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट रिलेशनशिप कैन बी, एंड से गोटे लोक से रिलेशनशिप को सीरीयसली नहीं पारे, बहुत सुंदर एक्सप्लेन कराई. इवन ए फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छा, बट इरफान खान को एंटायर करियर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस ही हैज एवर क्रिएटेड. मोर सेकेंड रेकमेंडेशन रहा मकबुल. तो मकबुल हूँ शेक्सपियर मैकबेथ नोवेल उपरे फिल्मटी, तेज फिल्मटा गोटे एक्टिंग रो पैकेज कले भूल होनी, कहीं तब्बू अच्छा, अमरीश पुरी अच्छा, नासिरुद्दीन शाह अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंटली इरफान खान अच्छा. व्हाट ए ब्यूटीफुल फिल्म. आपको इरफान खान को यही फिल्म रू हिंसा कैरियर गोटे टेकअफ मिलता. सो जो फिल्म रू कैरियर गोटे एत बड़ गोटे पुश मिलता, यू नेवर शुड मिस दिस फिल्म, डो वॉच दिस मकबुल. इतना आपण यूट्यूब पाइबे, मे बी नेटफ्लिक्स पाइबे, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट डो वॉच दिस फिल्म. देन मोर सजेसन पिकू. पिकू आपड़ जानते सब गोटे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ इंडियन सिनेमा, बहुत सुंदर है फिल्म. गोटे विटी कैरेक्टर अच्छी इरफान खान कर, जे कि जो टैक्सी गोटे ट्रैवल कंपनी से मालिक, एंड तर जो रिलेशनशिप दीपिका पादुकोण फैमिली सहित गोटे छोट, इट्स नॉट वेरी क्लोज बट ए स्मॉल रिलेशनशिप सी शेयर करापर एंटायर फिल्मटा, इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी, डो वॉच दिस फिल्म. नेक्स्ट विल बी पान सिंह तोमर. तो पान सिंह तोमर स्टोरी जदि मुझे गोटे भी जिनस कहीदेवि देन इट विल बी ए स्पॉइलर. आपफिनेटली देखी थे आई गेस, जो देखी ना डो वॉच इट पान सिंह तोमर, इट मस्ट बी देयर इन यूट्यूब. सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आम जमी दी दीज लेजेंड को हरई देचु Rishi Kapoor एंड इरफान खान. जब आप दुई जन को गोटे पर्दार देखापी चाहते देन डो वॉच डी डे. अगेन डी डे इज ए परफॉर्मेंस पैकेज, कहीं Rishi Kapoor अच्छा, इरफान खान अच्छा, आहरी भी बड़ बड़ एक्टर्स मैंने अच्छा, डो वॉच इट, इट्स ए ब्यूटीफुल पीस. आपको जब मार धड़ वाला जिनस पसंद, आपको जब मिर्जापुर पसंद आसला, ए फिल्म तो पसंद आसो नहीं आसो. एंड इरफान खान का एक्टिंग से तो सबुति बहुत भल थाए. सो या मोर आठटा फिल्म रेकमेंडेशन आपको रही है, डेफिनेटली देखो मोर एंटायर फिल्म में. जब मोर कौन प्रोनाउंसिएशन कौटी भूल हो कि जिनस भूल कर, आई एम रियली सॉरी, बिकज मुई वीडियोटा बहुत ही इमोशनल होगी बनी.
अगेन आई रियली कांट बिलीव कि ही इज नॉट देयर एनी मोर विथ अस्। मु काली पाखरु तांकर सब फिल्म सब इंटरव्यू सब किछि खोजी खोजी देखुची एंड काली पाखरु तांकर ऑलरेडी दुटा फिल्म मु देखि सालिनी। अंग्रेजी मीडियम मु देखि नथिली, एक्चुअली अधा देखिथिली, तो सेटा मु काली सारली एंड पुणी थरे काली मु पिकु देखिली बिकॉज दैट इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। मत तांकर विटीनेस बहुत भल लगे से फिल्म रे। सो या दिस इज इट, दिस दीज एट फिल्म्स अपन डेफिनेटली देखंतु। मते कमेंट सेक्शन लिखंतु व्हिच इज योर फेवरेट और व्हिच आर योर फेवरेट्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ही इज नॉट देयर विथ अस एज वी नो, बट ही विल बी देयर बिकॉज एज आई सेड एक कलाकार कभी मर नहीं सकता, बिकॉज एक कला की थ्रू उस वो हमेशा जिंदा रहता है। सो आई विश, बट वी आर वेरी वेरी पुअर इन ए केस कि आम तर कलाकारी आउ देखा पाइबुनि। आठ बोधे दुखर विषय गोटे सिनेमा प्रेमी लोक पाई या फिर एंटायर फिल्म इंडस्ट्री पाई न हो पारे। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस मते प्लीज कहिबे एज आई सेड कोटा भल लगे आपको किंबा भल लगे ये लिस्ट भितर मुट करी आपण मानकर फेवरेट मानक सब जानापी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू लाइक कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब सो दैट इट विल गिव मी एन एनकरेजमेंट टू मेक मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।